हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आज के एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं जीके के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो नंबर का फ्रेंड। दो नंबर में ये पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों दो नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ए और बी दोनों ने, एगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीन नंबर का फ्रेंड। तीन नंबर में ये पूछा गया है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। चीनी क्रांति का नायक कौन था। तो दोस्तों तीन नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सुन यात-सेन जो था चीनी क्रांति का नायक था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका तीन क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर का फ्रेंड। चार नंबर में ये पूछा गया है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। चीन का जो जनवादी गणराज्य था उसका स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष। तो दोस्तों चार नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वर्ष 1949 में चीनी के जनवादी गणराज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच नंबर का फ्रेंड। पाँच नंबर में ये पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पाँच नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, तुर्की को यूरोप का पेशेंट कहा जाता है, मरीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर। छः नंबर का फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों छः नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मुसलिनो को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवन नंबर। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फ्रांस की क्रांति का शुरुआत जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों सात नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका सात क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एट नंबर का फ्रेंड। एट नंबर में ये पूछा गया है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। तो दोस्तों आठ नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से दोस्तों, श्याम वेद को। ठीक है फ्रेंड, श्याम वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है नौ नंबर का। नौ नंबर में ये पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश किस जगह दिया था। तो दोस्तों नाइन नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन से दोस्तों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टेन नंबर का फ्रेंड। दस नंबर में ये पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध भगवान का जो जन्म स्थान है कहाँ है। तो दोस्तों दस नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से दोस्तों, लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर फ्रेंड। 11 नंबर में ये पूछा गया है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का फ्रेंड। 12 नंबर में ये पूछा गया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। जो सांची का स्तूप था वह किसने बनवाया था। तो दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही दोस्तों, अशोक ने
बनवाया था, ठीक है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का जो नेपोलियन किसे कहा जाता है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, इटली में जो है विश्व में नवजागरण की शुरुआत हुई थी इटली देश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। तो 16 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, मार्टिन लूथर के द्वारा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी उनके प्रयासों के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से आपका 16 क्वेश्चन समाप्त हुआ और अगला क्वेश्चन अभी बाकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस किसका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था। तो दोस्तों 17 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर फ्रेंड 18 नंबर में ये पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर 20वां क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है फ्रेंड। चलिए यहीं पे अपनी वाड़ी को विराम देते हैं, वीडियो एंड हुआ और ये 20 क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर था और इम्पोर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।